हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीआर किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं भरवा बैंगन। तो भरवा बैंगन के लिए सबसे पहले मैंने लिया ये लंबे वाले बैंगन हैं। ये लंबे वाले बैंगन हमने लिए हैं। उसके साथ कुछ मसाले भी हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। बट उससे पहले मैं बोलना चाहूंगी कि प्लीज अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, वीडियोज को लाइक करिए, कमेंट करिए, हमें जरूर बताइए कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। तो सबसे पहले मसालों को देख लेते हैं। तो मसाले में ये मैंने लिया सबसे पहले धनिया। ये धनिया पाउडर है जो कि मैंने 4 चम्मच लिए हैं। 4 चम्मच धनिया पाउडर है। फिर ये है सौंफ। ये 3 चम्मच हमने सौंफ पाउडर लिया है। इसको मैंने, ये कच्ची सौंफ का पाउडर नहीं है, इसको थोड़ा मैंने भून लिया है सौंफ को, फिर उसका पाउडर बनाया है। ये है जीरा पाउडर 2 चम्मच। तो 2 छोटे चम्मच जीरा पाउडर को भी मैंने जीरा भून के ही पीस के पाउडर बनाया है। इसके अलावा ये है कलौंजी, हल्दी, ये है खटाई पाउडर या अमचूर, मिर्च पाउडर, ये मैंने कुटी हुई मिर्च ली है। इसके अलावा मैंने 1/4 स्पून ये गरम मसाला लिया हुआ है, गरम मसाला है। ये है नमक। इसके अलावा ये है हमारा प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट। तो ये मैंने एक बड़ी प्याज ली हुई है, उसमें 2 कलियां ज्यादा नहीं लिया, 2 कलियां लहसुन की डाली है और करीब 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा है जिसको मैंने पीस के ये पेस्ट बना लिया है। तो ये सारे मसालों को हम मिला के अभी भून लेंगे। अब हम अपने मसालों को भूनने के लिए ये मैंने कढ़ाई चढ़ा दी और उसमें 2 चम्मच करीब हमने ऑयल डाल दिया है। ऑयल हमारा हो गया है तो हम इसमें सारे मसाले 1 बाय 1 डाल के भून लेंगे। तो सबसे पहले डालेंगे प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट। ये हमने प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है और अब हम इसमें धीरे धीरे सारे मसाले अपने डाल देंगे। ये बहुत ही इजी तरीका है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें हम 1 बाय 1 सारे मसाले डाल देंगे। ये हम इसमें सारे मसाले जो हमारे हैं इनको हम डाल दे रहे हैं। इनको हम चलाते जाएंगे, गैस सिम कर देंगे। गैस को हम अपने धीमे ही रखेंगे मसाले को भूनते समय। ये मसाले हमारे लगभग हो गए हैं। ये देखिए तेल सा इसमें बाहर आने लगा है और ज्यादा ऑयल तो हमने डाला भी नहीं था, पर ये मसाला और ऑयल सेपरेट होने लगा है। ये देखिए ये ऑयल सा दिखने लगा है, मसाला हमारा भून गया है। तो ये मसाले का ब्राउन कलर आ गया अच्छा सा, भून भी गया। ये मसाला हमारा रेडी हो गया। इसको मैंने कढ़ाई से निकाल दिया है प्लेट में और अब हम इसकी स्टफिंग करेंगे। और बहुत ज्यादा इसे हमें भूनने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये अभी बैंगन के साथ फिर से दोबारा मसाला पकेगा। पर फिर भी इसे हमने अच्छे से भून लिया है और अब हम चलते हैं बैंगन भरते लिए हैं लंबे वाले। इनका हम ऐसे बीच से चीरा कर लेते हैं, ये देखिए फ्रेंड्स ऐसे। और हमें ये देखना है कि कहीं ऐसा ना हो, कभी कभी हमने बीच में चीरा लगाया सही हो और साइड से कहीं कीड़े हो, तो इसलिए मैं इसमें देखिए ये अलग बगल से भी एक चीरा लगा रही हूँ ये देखने के लिए कि ये साफ है कि नहीं बैंगन। ये देखिए बगल बगल से मैंने साइड से, ये देखिए एक चीरा इधर लगाया, एक चीरा इधर लगाया, इससे पूरे में मसाला और नमक भी चला जाता है और हमारे बैंगन भी साफ है, ये हमें दिख जाता है अच्छे से। तो ऐसे चीरा लगा के हमें सारे बैंगन रख लेने हैं और उसके बाद मैं आपको स्टफिंग करके दिखाती हूँ इसकी। तो ये हमने मसाला लिया और इसको ऐसे बराबर से फिल कर दिया। ये सारे बैंगन को हमें ऐसे ही भर लेना है। ये मैं 1 बाय 1 करते जाऊंगी। ऐसे मैं दूसरे बैंगन को ले रही हूँ, इसको भी मैंने बीच से ऐसे कट मारा, पहले से चेक किया और फिर साइड से अगेन इसको साइड से मैंने ऐसे कट किया जिससे ये साइड में भी दिख जाए कि ये साफ है,
बैंगन में कभी कभी किनारे किनारे कीड़े होते हैं, तो ये भी हमारा बैंगन साफ है, ये दिख रहा होगा आपको। मैंने इसमें अंदर अंदर साइड साइड से भी चीरे लगाए हैं और इसकी भी स्टफिंग अब हम कर देंगे। ये देखिए, ऐसे ही बैंगन को हमने सारे बैंगन को भर लेना है। ये बहुत ही इजी तरीका है और बहुत ही टेस्टी बैंगन बनते हैं। तो ये हम बैंगन ऐसे सारे बैंगन अपने भर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारे बैंगन भी भर गए हैं, रेडी हैं। और इधर मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दी, उसमें ऑयल भी डाल दिया है। तो ऑयल गर्म हो जाए फिर हम उसमें बैंगन डालते हैं। और इसे हमें डीप फ्राई नहीं करना है, शैलो फ्राई करना है, इसलिए हमने ऑयल 2 चम्मच डाला हुआ है। और जब ये ऑयल गर्म हो जाए हम इसमें अपने बैंगन डालते हैं। ऑयल हमारा हो गया है, अब हम इसमें अपने बैंगन डालते हैं। ये हमारे बैंगन इसमें पड़ गए हैं। इसको अब हम प्लेट से एक ढक देते हैं। अब एक बार हम चेक कर लेते हैं बैंगन को, जब थोड़े से और होंगे तो इनको हल्के हल्के हम पलटते जाएंगे, इनका साइज चेंज कर देंगे। ये ऐसे करके तो साइड साइड से पकने देंगे। अभी हमने सीधे डाले थे, अब हम साइड साइड से इन्हें पकने देंगे। दोबारा से इन्हें ढक देते हैं। ये हम इन्हें टर्न करते जाएंगे, क्योंकि जो ये डंडियां होती हैं बहुत काम आती हैं। तो इसको हम ऐसे पलटते जाएंगे, पलट पलट के इन्हें सारे साइड में पका लेंगे। ये बैंगन पकने लगे हैं धीरे धीरे, देखिए इनको थोड़ा थोड़ा हम उलट पलट देंगे, हल्का हल्का घुमाते जाएंगे तो सारी साइड से ये पक जाए। इसके लिए हम थोड़ा थोड़ा इन्हें टर्न करते जाएंगे टाइम टू टाइम। अब ये बैंगन पकने लगे हैं तो अब हम इन्हें ढकने की जरूरत नहीं है, हम इन्हें थोड़ा ही पका लेते हैं। ये देखिए ये बैंगन हमारे हो गए हैं, तो इन्हें अब हम निकाल लेते हैं वन बाय वन। फ्रेंड्स, ये हमारे भरवा बैंगन रेडी हैं, बहुत ही अच्छे मसालेदार चटके के भरवा बैंगन। जरूर बताइए कि आपको ये भरवा बैंगन कैसे लगे। थैंक यू।